छांव में बैठना है आपको? चलिए। कैसे है साहब? मैम के लिए एक स्पेशल चाय। ओके, और मेरे लिए एक पानी की बोतल और बिना शक्कर और दूध के कॉफी। ब्लैक कॉफी? या ब्लैक कॉफी। ओके सर, थैंक यू। आपको रबड़ी पसंद है? बहुत। वेरी गुड, अभी पता चल जाएगा। आपने चाय मंगाई है और वो रबड़ी लेकर आएगा। ये छोटू। हाँ सर। ये मैडम को चाय दे क्या? ये लो मैम आपकी चाय। थैंक यू। चाय तो है। क्या है भैया ये? ऐसा लग रहा है चाय पत्ती की जगह चीनी डाल दी है। इसे पी के तो दो दिन में किसी को डायबिटीज हो जाए। रबड़ी। I told you. अच्छी चाय पियेंगी आप? I'll give you company. कहाँ? यहाँ। One second. भैया पुराना मानो तो क्या मैं अपने हाथों से अपनी चाय बना सकता हूँ क्या? अरे आप बताइए ना मुझे, मैं आपके लिए अच्छी चाय बना के देता हूँ। नहीं नहीं जरूर, पर मुझे ना अपने हाथ की चाय पीना है। आज आप किसी और के हाथ की चाय पिए। ठीक है फिर बनाइए टोटल 6 कप मेरे स्टाफ के लिए भी। ओके, टोटल 8 कप्स देन। और भैया हमेशा याद रखना, अदरक के बिना चाय चाय नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, शक्कर बस इतनी सी। अरे यहाँ इतनी कम शक्कर डालो तो लोग झगड़ा करने लगते हैं। कभी आपने और भैया आप बाकी किलो को दे दो जी। और ये रही आपकी हेल्थी चाय, प्लीज। थैंक यू। ये होती है चाय। पर आप तो कॉफी पसंद ना? माँ माँ पीती है तो हमेशा से मैं ही बनाता हूँ। अच्छी चाय बनाने वाले लोग बेस्ट होते हैं। फिर तो आपका आदि बहुत अच्छी चाय बनाता होगा।
सॉरी, मुझे नहीं पूछना चाहिए था उसके बारे में. नो, इट्स ऑल राइट. आदि कॉफी पीता था. रीरी, पर वो चाय वाले लोग बेस्ट होते हैं. आदि बेस्ट नहीं था, पर मेरे लिए परफेक्ट था. उससे मिलने से पहले ना मैं लाइफ में डर के जीती थी, और वो एकदम जिंदा दिल, एकदम खुश मिजाज. उसने ना लाइफ की तरफ मेरा पूरा नजरिया ही बदल दिया. हर चीज में वो मौज ढूंढ ही लेता था. आज बोबो तो भूत, पोपो तो परेशान क्यों है? एक काम करो, उड़ के जाओ और मम्मा को ढूंढ लाओ. तुम्हारी मम्मा कहाँ है मुझे बिल्कुल नहीं पता है, क्योंकि दिन में भूतों की शक्ति छिन जाती है. जो पता ही नहीं है उसके लिए परेशान क्यों ना? ऐसा आप ही कहती हो ना डोडो. और वैसे भी मम्मा के लिए चिंता करना ना अर्ज मंकी का काम है, आपका नहीं. धन्य हो प्रभु, आपने एक क्षण में मेरी चिंता दूर कर दी. चलो अब जल्दी करो, अगर स्कूल वैन छूट गई तो चल के जाना पड़ेगा. उठो और दूध पियो. आओ यहाँ पे, चलो फटाफट दूध पियो, ये लो. आज ना प्रभु अपने भक्तों के साथ दूध शेयर करेंगे. अचानक इतनी कृपा दृष्टि क्यों प्रभु? वो क्या है ना, प्रभु की मम्मा महाप्रभु का कहना है कि अगर दूध में दो चुटकी सिनेमन डाल के उसे पिया जाए तो उससे ना इंसान चिंता हूँ. टेंशन फ्री हो जाता है, इसलिए दूध पियो और टेंशन फ्री जियो. चिंता मुक्त हो जाते हैं. वैसे भी प्रभु और प्रभु की माँ से कोई बहस नहीं कर सकते. चलो दूध पियो फटाफट. हो गया प्रभु, अब प्रस्थान करें. नहीं अभी नहीं. अब क्या है? अभी चिंता मुक्त होने की स्टेप 2 बाकी है. और वो क्या है? हाथ ऐसे करो. अरे अरे दम घुट रहा है मेरा, चल छोड़. नहीं छोड़ूंगा, यही तो बताना था आपको डोडो. कभी नहीं छोड़ूंगा, कुछ भी हो जाए. अरे 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 मेरी सांस अटक रही है, मैं कहाँ जा रही हूँ? हाँ जाने ही नहीं दूंगा. आर ऑफ द मंकी की जू में ना एंट्रेंस टिकट तो है, लेकिन एग्जिट का कोई रास्ता नहीं है. बस मेरे डैड ने अपना बिग डिसीजन अनाउंस कर दिया कि अब हम उनकी लाइफ का हिस्सा नहीं है. ले गए अपने साथ अपनी सारी मेमोरीज को. उस एक मोमेंट ने मुझे और लाइफ को लेकर मेरी पूरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया. रिश्ते टूट तो एक मोमेंट में ही जाते हैं, लेकिन उस मोमेंट का पेन जैसे जिंदगी भर हमारे साथ चलता है. और उसे भूलने की लग्जरी तो है नहीं, ना उसे इग्नोर करने की, राइट? और कभी कभी वो पेन बिल्कुल हमारे सामने आ जाता है. जिस रात हम अब्दाली से मिलने जा रहे थे, मैंने देखा था आप कितने अनकंफर्टेबल हो गए थे.
साथ मुझे लगा कि हम लोग मीटिंग बाद में कर लेंगे. There was nothing. मैंने देखा था उन्हें and I recognized her. न्यूज आर्टिकल्स वीडियोस में देखा था. इतने सालों बाद आई सॉ हर, राइट? आई फेल्ट द सेम पेन. सब कुछ एक झटके में याद आ गया. पापा का घर छोड़ के जाना हो. मैंने पहली बार उन्हें उसके साथ देखा था और मेरी माँ का हर रोज अकेले में रोना. आई डोंट नो, इस सब के बाद कब मैं ऐसा हो गया, पूरा बदल गया. यू नो, मन में एक बात बैठ गई कि सारी लड़कियां गोल्ड डिगर्स हैं, सारी लड़कियां अपॉर्चुनिस्ट हैं, सिर्फ पैसे से मतलब है और पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़.